नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो जैसा आप देख सकते हो, आज हम जॉन डियर 5405 का एक पूरा डिटेल में रिव्यू बना करके दिखाऊंगा। और प्लीज़ आप सभी भाई से दरख्वास्त है, अगर मेरे इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी देंगे तो कम से कम वीडियो 10 मिनट से ऊपर का बनेगा, क्योंकि ट्रैक्टर नहीं है, एक किस्म का झोटा ट्रैक्टर है, इतना ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर के बारे में डिटेल में मैं आपको बना करके वीडियो दिखाऊंगा, तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहना। अगर इस ट्रैक्टर की पूरी स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो, सारा ही बता दूंगा जो भी है इसके अंदर। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर, सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बहुत जल्दी 1 लाख करने वाले हैं अपनी फैमिली को। और लाइक जरूर कर जाना, क्योंकि लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं एक भाई बोल रहा था, मैं आयसर की वीडियो बार बार दिखा रहा हूँ, आयसर के पे व्यू आ रहे हैं, जबकि मैंने एक जापनीज ट्रैक्टर है 16 का, उसकी वीडियो इतनी अच्छी बनी है, ट्रैक्टर भी बहुत अच्छा है, शानदार। आप वो वीडियो देखना ही पसंद नहीं कर रहे, तो प्लीज़ इसलिए मैं कहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप पे जल्दी से जल्दी पहुँचे और वीडियो आगे से आगे फॉरवर्ड हो सके। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ना क्या हो तो अभी कर देना, और जो पहले से क्या हुआ तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो आप हम जस्ट ट्रैक्टर शुरुआत कर लेते हैं। ये ट्रैक्टर आया था जी अपना 63 हॉर्स पावर, जैसे 65 हॉर्स पावर की कैटेगरी का रखते हैं जॉन डियर, लेकिन हम 63 हॉर्स पावर है ऑन पेपर, तो हम 63 हॉर्स पावर ही बोल लेंगे। आप इसके टायर को साइज़ की बात करते हैं तो गुडियर का टायर है इसमें 16 और 30, मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे टायर की बात कर लेते हैं तो इसमें 11, 2, 24 के टायर आते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, 16, 9, 28 के मिल जाते हैं टायर पीछे के, और आगे के इसके 9, 4, 24 के मिल जाते हैं आगे के टायर, ठीक है। ये तो हुई टायरों की शुरुआत। अगर हम बात कर लेते हैं इसके एक्सल की, तो उसमें बहुत ही हैवी ड्यूटी जॉन डियर का अपना एक्सल मिल जाता है, जो कि पावर स्टीयरिंग का 4x4 स्टीयरिंग है ट्रैक्टर ये, तो उसके हिसाब से मिलेगा। और पावर स्टीयरिंग जो इसके अंदर मिल जाता है, और डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग रोड मिलती है, दोनों साइड रोड चलती है पावर स्टीयरिंग की, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है, ताकि आने वाले समय में हमारे ट्रैक्टर का 10-5 साल में कोई भी ग्रोली अगर कट जाती है, तो हम छोटे छोटे इंप्लीमेंट बदलवा सकते हैं, पूरा पावर स्टीयरिंग बदलवाने की हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की भार की ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की, तो अगर हम व्हील बेस की बात कर लेते हैं, व्हील बेस होता है इस सेंटर से, और इस ट्रैक्टर के व्हील के सेंटर, इसकी जो व्हील बेस है वो 2050 mm है। अगर हम ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ की बात कर लेते हैं, टोटल इस टायर की यहाँ से लेकर के और पीछे तक, तो 3580 mm का है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 425 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर हम टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं तो 3181 mm है। और ट्रैक्टर के अगर हम वजन की बात करें तो 2570 किलो का ट्रैक्टर है। चार चाबी मिलती है, 2 स्टार्टिंग की है और 2 इसके बोनट की है। हर बोनट में अलग अलग चाबी मिलती है। आगे का हम जैसे देखते रहते हैं लुक, वही जॉन डियर का अपना जो ज़बरदस्त लुक आता है, उसी लुक में ट्रैक्टर मिलेगा, ठीक है ना। लगभग समान से लुक है इनके, अब डिफरेंट लुक थोड़े से चेंज करे जॉन डियर ने। नंबर प्लेट यहाँ प्रोविजन पहले दे रखा, ये पकड़ कर खोलने के लिए हैंडल है, यहाँ लॉक है इसका, हम इसको पहले बोनट को खोल लेते हैं। ट्रैक्टर बिल्कुल अभी धुलगा, इसलिए पानी में हो रहा। एक साइड की बैटरी देख लेते हैं, 88 एम्पीयर की, एक साइड की कंपनी की ज़बरदस्त बैटरी है, एक साइड नंबर 1 बैटरी है इंडिया के अंदर, तो कोई भी इसमें भी कोई आपके साथ लो कॉस्ट नहीं करी गई, कॉस्ट कटिंग नहीं है, ज़बरदस्त कंपनी की बैटरी है। इसमें सेंसर आ जाते हैं इस ट्रैक्टर के, अब सेंसर क्या काम करते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है ना। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, प्लीज़ लाइक जरूर करना। तो जैसा आप देख सकते हो, इधर हॉर्न दे रखा 12 वोल्ट का, इधर देख सकते हो ये इसका इंटरकूलर दे रखा, टर्बो चार्जर की ट्रैक्टर है। इसका जो दे रखा डीजल कूलर दे रखा, डीजल का भी वो भी कूल करके ये पंप में बेहतर, डायरेक्ट इंजेक्शन पंप है इसके, और 3 स्टेज का डायरेक्ट जो इसकी एयर क्लीनर आता है, 3 स्टेज ड्राई टाइप आता है इसका विद सेंसर। अगर हमारे एयर क्लीनर जाम हो जाता है तो हमें आगे सेंस कर देता है, 3 स्टेज में आ जाता है ज़बरदस्त। और इसका जॉन डियर का अपना इंजन है खुद का 2900 cc का, जो जॉन डियर बिल्कुल इसका इंजन को जांच परख के और बहुत अच्छे लंबे समय से इस इंजन का इस्तेमाल करता आ रहा है। इसका ये इंजन 5310 में भी यूज होता है, लेकिन इस इंजन की हॉर्स पावर और अंदर का जो इसका ट्यूनिंग है वो चेंज करके 63 हॉर्स पावर बना रखा। टर्बो चार्ज इंजन है, देख सकते हो टर्बो ही रहा है इधर, मैंने गर्म हो रहा ट्रैक्टर इसको हाथ लगा दिया। बोस का पंप है 3 वाल्व का साथ, ठीक है ना, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 2900 cc 2100 rpm में, डीजल की खपत इसकी कम हो जाती है। और यहाँ देख सकते हो बोस का डीजल फिल्टर मिल जाता है डबल, ठीक है ना। और इसके यहाँ पे देख सकते हो ये कूल एंड बॉक्स है। और इस ट्रैक्टर के अगर आप कहीं ऐसी जगह यूज़ करना चाह रहे हो जहाँ साइलेंसर उतारना पड़ जाए, तो जब भी ट्रैक्टर अपना आवाज़ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो इसका ये हंडी है ना, साइलेंसर हंडी, ये इसके अंदर आ जाती है, इसकी वजह से इंजन आवाज़ कभी भी चेंज नहीं करता।
दो दो उसमें सिलेंडर आ जाते हैं जो कि इसके बोनट को रोक करके रखते हैं, देख सकते हो काफ़ी हैवी ड्यूटी काम करके देता है जॉन डियर। और बहुत ही बड़ा इसमें रेडिएटर मिल जाता है आगे की ओर, जो कि इस ट्रैक्टर को कूल रखने में बहुत ज़्यादा आपका कारगर है। अमेरिकन ब्रांड कंपनी है जॉन डियर और एग्रीकल्चर में नंबर वन श्रेणी में आता है जॉन डियर। डबल पम्प मिल जाता है जो कि एक हाइड्रोलिक है, एक इसका पावर स्टीयरिंग पम्प है। और इधर देख सकते हो इसका इंजन ऑयल जो होता है वो भी फिल्टर ठंडा हो जाता है, इसमें फैन लग रहा है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। और इसके जो ऑयल भी यहाँ से आप टॉप अप कर सकते हो, उसमें देख सकते हो 8 पंखड़ियों का इसमें फ़ैन लगा हुआ है ताकि ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रह सके, ठीक है। यहाँ पे इसमें यहाँ पे भी सेंसर दे रखा, 2 किलोवाट के सेल्फ स्टार्ट मोटर मिल जाती है इस ट्रैक्टर को पूरे स्टार्ट करने के लिए। यहाँ देख सकते हो एक इधर इसमें वाटर सेपरेटर मिल जाता है, कोई भी पानी की चांस वगैरह होती है तो वो उससे अलग हो जाती है। गियर प्रो सीरीज में है JD लिंक के साथ। इस ट्रैक्टर के अंदर एक फीचर और आ चुका है जो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये ऑटो टैग के साथ आता है, देख सकते हो वेलकम इन न्यू एरा ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑटो टैग, यानी कि इसमें आप सेंसर लगवा सकते हो ऑटोमेटिक ट्रैक्टर को चलाने के लिए। जैसे इस ट्रैक्टर में बीचों बीच लग रही है, आप देख सकते हो ये हेलमेट सा दिख रहा, ठीक है ना। ये सेंसिंग के साथ आया था, अगर आप इसमें लगवाना चाहते हो ये भी लगवा सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने इंजन की तो बात कर ली, इंजन 2900 CC का मैं आपको फिर बताता हूँ। जॉन डियर का अपना खुद का इंजन है। इस इंजन की सबसे खास बात ये, इसमें कोई पैकिंग नहीं लगती, कभी भी ट्रैक्टर इंजन लीकेजिंग नहीं करेगा। ये लॉक हो चुका है। और आइए थोड़ा सा पीछे साइड में देख सकते हैं, इसमें देख सकते हो कितना हैवी ड्यूटी फिट स्टार्टर स्टेपर मिल जाता है, देख सकते हो। इस पर आप पैर रख के ऊपर चढ़ सकते हो, पूरे पर रबड़ लगा रखे, रबड़ भी सॉफ्ट है, देख सकते हो मैं उंगली से बीच रहा हूँ, बीच रहा है, ठीक है। और इसमें देख सकते हो सस्पेंडेड क्लच मिल जाते हैं, ठीक है, और सस्पेंडेड इसमें ब्रेक मिलेंगे। और हर जॉन डियर ट्रैक्टर के अंदर इधर हीट गार्ड प्लेट मिल जाती है, जो कि आपको कोई भी गर्म भाप आपके पैरों तक ना जा सके, आप लंबे समय तक अच्छे से अच्छी अपनी खेती को कर सके। दोनों तरफ ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं पकड़कर चढ़ने के लिए, उधर भी है, इधर भी देख सकते हो। और इसमें देख सकते हो इंडिकेटर प्लस पार्किंग लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी ट्रैक्टर का सेम है लगभग, और बहुत ही शानदार भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। गियर प्रो है, 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, V14 इसका जो मॉडल है ट्रैक्टर का। अगर हम बात कर लेते हैं इसके पीछे से, पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे क्या मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर। इधर देख सकते हो 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी कंपनी फिटेड आती है। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से हटा कर यहाँ लगाते हो तो 2200 किलो तक लिफ्टिंग कर लेगा। इसके अंदर देख सकते हो रोड आती है, कोई चैन वगैरह नहीं आती, जिससे कि हमारा ट्रैक्टर कम से कम वाइब्रेट करे, कम से कम कहाँ पे इधर उधर। अगर कोई भी ट्रॉली में कोई इंप्लीमेंट जोड़ दो तो उससे आप यहाँ से करंट दे सकते हो कुछ भी चलाने के लिए। दो इसमें एक्चुअली वाल मिल जाते हैं कंपनी फिटेड, आपको अलग से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे गियर बक्स का ऑयल को टॉप अप करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। 68 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है जो कि फाइबर का है, फाइबर का होने का बेनिफिट ये होता है इसमें कभी भी मॉइस्चर जंग वगैरह नहीं बनता, इससे हमारे पंप की लाइफ बढ़ती है और पंप की लाइफ बढ़ेगी तो इंजन की बढ़ेगी। और तो देख सकते हो कम किसान पीछे ही खड़ा होकर के इस इन स्विच के साथ इसकी हाइड्रोलिक अप एंड डाउन कर सकता है। ये इसमें फीचर एड ऑन कर दिया जॉन डियर ने और दोनों ही साइड कर रखा है। यहाँ पर भी पीछे से आप कोई इंप्लीमेंट जोड़ सकते हो और उधर भी देख सकते हो, उधर भी दिखा रखा है। मैं आपको ऊपर चढ़ के जब इसकी वीडियो बना करके दिखाऊंगा तो आपको सब कुछ वहाँ बताऊंगा। इधर देख सकते हो उसमें रिवर्स गियर भी मिल जाता है PTO का और फ्रंट व्हील भी मिल जाता है। 55 हॉर्स पावर है इसकी ट्रैक्टर की PTO की। 3-3 टॉपलिंग लिंकेज मिल जाते हैं अपने हिसाब से। आप लगा सकते हो ADD सेंस के साथ आता है, ऑटोमेटिक डेप्थ एंड डेप्थ कंट्रोल, और काफ़ी हैवी ड्यूटी हिच मिल जाता है पीछे का, आप देख सकते हो एक्सल। और उसके मरघाट को आप भार को भी लगा सकते हो अगर थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना है तो। नंबर प्लेट की कंपनी ने पहली प्रोविजन कर रखा है और देख सकते हो पीछे की ओर इंडिकेटर प्लस ब्रेकिंग लाइट बड़ी शानदार बहुत चौड़ी लगा रखी है। और इधर देख सकते हो इसमें हैलोजन हेडलैम्प मिल जाती है जो कि रात को अपने कोई भी अगर इंप्लीमेंट जोड़ते हो तो इससे अपना चांद ना करके जोड़ सकते हो। यहाँ देख सकते हो टूल बॉक्स मिल जाता है लोहे का ऊपर की ओर, ठीक है ना। इधर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, इसमें देख सकते हो ब्रेक ऑल डिम्पी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जो कि इसके बिल्कुल कार जैसे ब्रेक का इस्तेमाल होता है। और इधर बोटल होल्डर यहाँ मिल जाती है, डिफरेंशियल लॉक इधर मिल जाता है, अगर हमारे ट्रैक्टर को चाल अलग अलग हो या खंचों में या एक सामान नहीं चल रहा तो उसे दबा करके हम सेम चाल कर सकते हैं अपने ट्रैक्टर की। और इसमें देख सकते हो 3 गियर फॉरवर्ड 1 गियर रिवर्स दिखा रखा है सर। ये गियर प्रो में है, ABCD 4 गियर स्पीड मिल जाती है, तो 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स मिलते हैं, 16 गियर में ट्रैक्टर आता है, ठीक है ना। और सस्पेंडेड इसमें भी जो ब्रेक मिलते हैं सस्पेंडेड मिलते हैं, डिस्क ब्रेक और पैर की एक्सीलेटर इधर मिल जाती है और हाथ की एक्सीलेटर इधर मिल जाएगी। आइए थोड़ा सा ऊपर चल लेते हैं उसके ट्रैक्टर के और स्पेसिफिकेशन आपको दिखाता हूँ जब बात करते हैं। तो ऊपर चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी शानदार, जैसे बहुत से किसान हमारे जैसे होते हैं हेल्थी, अगर किसी पर स्पेस ज़्यादा चाहिए हो
तो सीट आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे आगे पीछे अपने खेत के अकॉर्डिंग। पहले दोनों सीट में हैंड रेस्ट मिल जाता है, अपने कोने को रख सकते हो रेस्ट करने के लिए। और चढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका है, स्विच दबा करके आप कार की तरह फीचर दे दिया इसमें, आप स्टीयरिंग आगे कर सकते हो, देख सकते हो ये होगी खूब जगह, आप किसी भी हिसाब से ट्रैक्टर को चला सकते हो। अब हम इस पर पैर रख करके आसानी से चढ़ जाएंगे, देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस बन चुका है ट्रैक्टर के अंदर। आप चाहो तो ट्रैक्टर ऐसे ही चला सकते हो जैसे मैंने कर रखा है, और चाहो तो इस ट्रैक्टर को स्टीयरिंग को नीचे कर सकते हो, ये देख सकते हो मैंने बिल्कुल नीचे कर लिया। अब ये कार जैसा स्टीयरिंग हो गया, और इसका हम ऊपर करना चाहते हो ऊपर भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी नीचे रोकना वहाँ रोक सकते हो, ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी सेल्फ इसकी, तो ये रेड कलर की स्टार्टिंग में लगती है, और ये लगेगी आपकी साइड में कार की तरह इधर, ये देख सकते हो। मैं एक बार दोबारा दिखाऊंगा, पहले मैं इसका एक बार बोनट नीचे कर देता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ मैं इसको एक बार। कार जैसा मीटर है बिल्कुल इस ट्रैक्टर का, एक बार बिलिंग करेगा ये स्टार्ट होने के बाद। पार्किंग का भी दिखा रखा है इसमें, स्टॉप का भी दिखा रखा, लोडिंग का भी दिखा रखा कि कितना लोड है, ज़्यादा लोड है वो भी दिखा देगा, और बैटरी का भी दिखा रखा, इंडिकेटर न्यूट्रल का भी दिखा रखा है इसमें, ठीक है ना। और सर मोबाइल रख सकते हो आप, मोबाइल चार्जर भी है इसमें, और यहाँ से ट्रैक्टर स्टार्ट स्टॉप हो गए, ABCD चार स्पीड गियर मिल जाते हैं, और बड़े ही ये जो इसके मिल जाते हैं हैंड रेस्ट, बड़े ही सॉफ्ट है देख सकते हो। और इसमें भी ये दो सेंस हैं मिल जाते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे भी दिखा रखा है ये लीवर PCDC के, और इसमें जो एक्सोरी वाल मिल जाता है उसका लीवर ये है, ठीक है ना। और इसमें जो हैंड ब्रेक है वे आपको इस गियर में मिलते हैं, ये देख सकते हो पी दिखा रखा ना, ये पी आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये पी, तो यहाँ ये इसका हैंड ब्रेक है, इसे हम हटाने के लिए एक बार नू करेंगे और ये हट गया, ठीक है ना। ये लग गया इसका हैंड ब्रेक इधर, आइए एक बार स्टार्ट कर लेके देख लेते हैं ट्रैक्टर को। स्टीयरिंग की कटिंग देख लेते हैं पहले ट्रैक्टर की, तो कैसे लगी ट्रैक्टर की आपको इसकी आवाज़ और कैसा ट्रैक्टर लगा। अगर हम इसकी डीजल खपत की बात कर लेते तो एक घंटे में 7 लीटर लेगा मैक्सिमम, लेकिन काम इतना ज़बरदस्त करके देगा कि आप बिल्कुल इसके काम से आप चौंक जाओगे। बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रैक्टर है, और बहुत ही हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर बनाया गया है बहुत बड़े बड़े इंप्लीमेंट चलाने के लिए। तो ट्रैक्टर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू, धन्यवाद।